ये सभी मेरे सम्मानित भाइयों बहनों, प्यारे बच्चों, युवा साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि देश में संघीय ढांचा है और संघीय ढांचे में केंद्र की सरकार, राज्यों की सरकारें, गांवों की सरकारें और नगरों की सरकार है। भाइयों बहनों, आप सब लोगों ने बहुत आशीर्वाद और स्नेह दिया है और हमारी बहन को, आदरणीय स्मृति जी को बहुत बड़े अंतर से संसद में भेजने का आप सबने काम किया। उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव हुए, उत्तर प्रदेश में भी दो बार से आप सब लोगों ने आशीर्वाद भाजपा को दिया। नगर पंचायत ग्राम सभाओं के चुनाव हुए, बड़ी संख्या में प्रधान, बीडीसी मेंबर, ब्लॉक प्रमुख सब भाजपा के चुनाव। और आप देखेंगे आज 90% से अधिक गांव में भी भाजपा की सरकार, लेकिन नगरीय क्षेत्रों का भाई तो चुनाव और बहुत तेजी से शहरीकरण का विस्तार हुआ है, नई कॉलोनी, नया शहरी। अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे शहर हमें संवारने का काम करना, उन्हें सुधारने का काम करना, उन्हें संभालने का काम करना, तो लगातार आपको, क्योंकि केंद्र की सरकार और राज्यों की सरकार की जितनी भी योजनाएं, क्योंकि भाइयों बहनों फंडिंग सब केंद्र राज्य से ही नगर निकाय को होता है, अगर उनका सही इस्तेमाल हो, हमारी अपेक्षा के अनुसार हमारे विशेष जो विकास के काम, वो विकास के काम हमारे अनुसार हो, तो एक बार आपको निश्चित रूप से मन बनाकर नगरों में भी भाजपा की सरकार बनानी, ये संकल्प हम सब लोगों को आज लेकर जाना। भाइयों बहनों, अगर नगरों में भी भाजपा की सरकार होगी और भारतीय जनता पार्टी के समर्थक, विचारधारा से जुड़े लोग नगरीय क्षेत्रों का नेतृत्व कर रहे होंगे, तो निश्चित रूप से देश के प्रधानमंत्री की जो कल्पना है, जिस कल्पना को लेकर विकास की, सुरक्षा की और शहरी क्षेत्र में जिस प्रकार से स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था है, हमारे सीवर लाइन से जुड़े विषय है, स्वच्छता से जुड़े, साफ सफाई से जुड़े विषय, ट्रैफिक की व्यवस्था, क्योंकि भाइयों बहनों बहुत तेजी से शहरों का विस्तार हुआ है, विकास, और आने वाले भविष्य में भी बहुत तेजी से शहरीकरण बढ़ेगा। तो निश्चित रूप से हमें शहरों को संभालने के लिए, संवारने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी के चुने हुए पदाधिकारी प्रतिनिधियों के हाथ में होने चाहिए। इस प्रकार का संकल्प हम लोगों का, और यही अवधारणा देश के प्रधानमंत्री जी की है कि ट्रिपल इंजन की सरकार चाहिए, केंद्र की भी सरकार, राज्य की भी सरकार, नगरों की भी सरकार हम लोगों को मिलती है। अगर ये काम हम लोग अच्छे से कर पाएंगे तो हमारा जो संकल्प है, हमारी पार्टी का जो संकल्प है और हमारी बहन दीदी स्मृति ईरानी का जो संकल्प है कि हमें शहरों को संवारना है, सजाना है, तो निश्चित रूप से उसे पूरा कर पाएंगे। और भाई बहनों, लोकतंत्र में हमारे पास सबसे बड़ी ताकत है अपना मत, हमारा वोट, और वोट के आधार पर ही हम लोगों ने अभी अपने देश के दिशा दर्शन निकालने का काम किया। आप सब लोगों ने मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा को आशीर्वाद दिया, आज देश की दुनिया में ताकत बनी, मोदी जी के लोकप्रियता के आधार पर पूरी दुनिया मोदी जी की तरफ, भारत की तरफ। आप सब लोगों ने भाइयों बहनों राज्य में भाजपा को आशीर्वाद दिया, तो निश्चित रूप से हमारी सरकार ने बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, अराजकता, गुंडागर्दी, बेईमानी, भ्रष्टाचार, इन सब लोगों के सामूल नष्ट करने का जो संकल्प है, सरकार, राज्य सरकार योगी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ा रही है। भाइयों बहनों, चाहे बिजली से जुड़े विषय हो, चाहे स्वच्छता से जुड़े विषय हो, साफ सफाई से जुड़े हो या स्वास्थ्य से जुड़े विषय हो, आपने देखा किस प्रकार से कोरोना जैसी वैश्विक महामारी को एक बहुत अच्छे
व्यवस्था के साथ, प्रबंधन के साथ माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में योगी जी ने उत्तर प्रदेश में उस व्यवस्था को नियंत्रित करने का काम किया। लोग गुमराह करने का काम कर रहे थे और हमारे लिए जो सौभाग्य का विषय है, आज देश में पोलियो की बीमारी हुई थी।